भक्ति हो। इसके आगे सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है और सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया है। भक्त प्रहलाद जिनके लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। इस चरित्र की भूमिका इस प्रकार तैयार होती है कि राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि सब प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। भगवान समप्रिय हैं, भगवान को सभी प्रिय हैं, भगवान समदर्शी हैं, तो ऐसे समदर्शी भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं और असुरों का वध क्यों करते हैं? अगर भगवान समदर्शी हैं तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, वही बात जो हमने अभी कही कुछ देर पूर्व। यही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी किया कि भगवान को तो समदर्शी होना चाहिए। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत, इंद्र के लिए वो दैत्यों का वध क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि साधु पृष्टम महाराजो हरेश चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुमको भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण कराऊंगा। और रही बात भगवान के पक्षपात की, तो सच्ची बात यह है कि न भगवान किसी का पक्ष लेते हैं, न भगवान किसी को मारते हैं। ये तो भगवान की लीला है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीन गुणों से सृष्टि चलती है और सतोगुण के बढ़ने पर देवता और ऋषि लोग बढ़ते हैं, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों की वृद्धि होती है और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों की वृद्धि होती है। ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुणों से सृष्टि बनी हुई। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते त्रैगुण्य विषया वेदाहा। ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, सब कुछ सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों से बना, और ये तीन गुण रहते हैं तभी दुनिया चलती है, नहीं तो चलेगी नहीं। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का काम क्या है? बोले ज्ञान को उत्पन्न करना। सतोगुण का काम है ज्ञान को उत्पन्न करना, रजोगुण का काम है क्रिया को उत्पन्न करना, और तमोगुण का काम है क्रिया और ज्ञान दोनों को रोक देना। समझना इसको। सतोगुण का काम है ज्ञान उत्पन्न करना और रजोगुण का काम है ज्ञान उत्पन्न होने के बाद क्रिया को प्रारंभ करना, और तमोगुण का काम है कि एक निश्चित सीमा पर जाने के बाद उस क्रिया और ज्ञान दोनों को रोक देना, उसका प्रतिबंधक बन जाना। ये तमोगुण है, और ये तीन प्रक्रिया जब चलती है तभी सृष्टि के सारे कार्य होते हैं। जैसे एक कोई कारपेंटर हो, उसको लकड़ी की मेज बनानी है, टेबल बनानी है, तो लकड़ी भी है, काटने वाले हथियार भी हैं, कारपेंटर भी है, लेकिन वो मेज तब तक नहीं बनेगी। बोले कब तक? बोले जब तक उस बनाने वाले कारपेंटर की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं होगा कि मेज कैसे बनती है, कितनी बड़ी होती है, उसकी नाप तौल उसके दिमाग में जब होगा तभी कार्य होगा। तो सतोगुण का काम है उस ज्ञान को धारण करना। अब सतोगुण का कारण जो ज्ञान है, सतोगुण का जो कार्य है ज्ञान, वो ज्ञान जब उसकी बुद्धि में उत्पन्न हुआ तो केवल सतोगुण से काम नहीं चलेगा। उसकी बुद्धि में ज्ञान है कि मेज कैसे बनती है, कितनी बड़ी बनेगी, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी ऊंची, वो सब नाप जोख का ज्ञान उसके दिमाग में है, लेकिन मेज तब तक नहीं बनेगी जब तक वो काम शुरू नहीं करेगा। और काम शुरू करने के लिए रजोगुण का प्रयोग होता है। रजोगुण उसके अंदर प्रवृत्त होगा। रजोगुण क्या है? बोले रजसो लोभमेव च। रजोगुण आने पर व्यक्ति के अंदर लोभ पैदा होता है, और बिना लोभ के कोई काम नहीं होता। बढ़ई के अंदर, कारपेंटर के अंदर बुद्धि हो मेज बनाने की, लेकिन जब तक उसके मन में ये लोभ नहीं पैदा होगा कि भाई हम मेज बनावें तो फिर ये मेज 500 रुपए में बिकेगी तो 500 रुपए मुझे मिलेगा, ये लोभ जब पैदा होगा तब वो बनाने के लिए तैयार होगा।
तो रजोगुण का काम है लोभ को उत्पन्न करके क्रिया में प्रवृत्त करना, तब व्यक्ति क्रिया में प्रवृत्त होता है। अब रजोगुण के कारण वो क्रिया में प्रवृत्त हुआ, ज्ञान उसके अंदर था कैसे बनेगा कैसे बनाना है, और फिर रजोगुण ने क्या किया, बोले रजोगुण ने उसको क्रिया में प्रवृत्त कर दिया। लेकिन अब वो केवल क्रिया में प्रवृत्त ही रहे तब भी काम नहीं होगा, क्यों, बोले वो बनाता रहे, काटता रहे, छीलता रहे, बनाता रहे, रुके ना तो क्या होगा, बोले मेज नहीं बनेगी। क्यों, बोले वो लगातार अगर काटता ही रहे तो काटते काटते क्या होगा, बोले लकड़ी ही खत्म हो जाएगी। निश्चित जगह पर जाकर के उसको रुकना पड़ेगा, इतना ही काटना है, इसके बाद अब नहीं काटना। और करते कराते जब मेज बन करके तैयार हो गई, बोले तो काम उसको बंद कर देना, रोक देना। इस प्रकार से जब वहां जाकर के वो कार्य रुक जाएगा तब वो कार्य पूर्ण होगा। और ये रोकने का कार्य क्या है, तमोगुण। तो ये तीन क्रियाएं संसार में, ज्ञान, क्रिया और अवष्टम्भ, अवष्टम्भ माने उस क्रिया को रोकना, ये तीन प्रक्रिया जब चलती है तभी सृष्टि संचालित रहती है, नहीं तो सृष्टि में कोई कार्य न हो। और इन्हीं तीनों गुणों का परिणाम देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, ये समस्त प्रजातियां हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन तीनों गुणों का अनुपात बना रहे यही भगवान की लीला है। भगवान देखते हैं कि जब सतोगुण बढ़ने लगा, ऋषि और देवता बढ़ने लगे, सतोगुण अत्यधिक बढ़ गया और रजोगुण कम होने लगा, तो भगवान क्या करते हैं, बोले भगवान अपनी शक्ति उन असुरों को दे देते हैं कि अब थोड़ा तुम बढ़ जाओ, रजोगुण बढ़ जाए। उन बड़े बड़े असुरों को भगवान अपनी शक्ति दे करके उन असुरों को बढ़ा देते हैं। अब जब रजोगुण बढ़ गया और रजोगुण ने सतोगुण को दबाना शुरू कर दिया, देवता ऋषि पीड़ित होने लगे, देवता ऋषि दुखी होने लगे, उनकी संख्या घटने लगी, तब भगवान देखते हैं कि अब सतोगुण कम हो रहा है, अब तो सतोगुण को बचाना पड़ेगा। तब भगवान देवता और ऋषियों के पक्ष से आकर के उन असुरों का संहार करके सतोगुण को फिर बढ़ा देते। इस प्रकार भगवान की यही लीला चलती रहती है। कभी भगवान सतोगुण को ऊपर उठाते हैं, कभी रजोगुण को ऊपर उठा देते हैं, कभी तमोगुण को उठा देते हैं, और इस प्रकार से सृष्टि में ये सब कार्य चलता रहता है। यथार्थ में भगवान का न कोई शत्रु है, न भगवान के लिए कोई पराया है। ये राक्षस भी भगवान के ही है, भगवान से बाहर थोड़ी, भगवान के ही अंश हैं, वो भी तो जीवात्मा है, उनके अंदर भी जीव है, और वे जीवात्मा जो है वे भी भगवान के अंश हैं, क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और ये तो भगवान की लीला है।